मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर विली को एक पब में देखते हैं। उसने सांता क्लॉज के क्लॉथ्स पहने हुए थे। क्रिसमस था और सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर विली अकेला ही ड्रिंक कर रहा था। उसके पास कहने लायक अब कोई भी फैमिली बची नहीं थी। बचपन में उसके डैड उसे बहुत मारा करते थे, इलीगल चीज़ें किया करते थे। अपने फादर की जो भी चीज़ें वो हेट करता था, वो खुद अब वो बन चुका था। ये चीज़ उसे बहुत ही फनी लगती है। उसे लगता है कि लाइफ में बहुत ही अजीब चीज़ें होती रहती है। नेक्स्ट डे वो एक मॉल में सांता क्लॉज का कॉस्ट्यूम पहनकर काम के लिए आया। वहाँ पर उसका फ्रेंड मार्कस भी उसके साथ काम करता है। उसकी हाइट छोटी है तो इस वजह से एल्फ का वो रोल करता है। बच्चों के पेरेंट्स सांता क्लॉज के साथ फोटो लेने के लिए उन्हें पे करते हैं। एक बच्चा विली के पास आया और उसे कहता है कि मैंने तो तुम्हें किसी और मॉल में देखा था, मुझे तुम मैजिक दिखाओ। विली को बच्चे पसंद नहीं थे। उसे कहता है कि मैं तुम्हें अब डिसअपीयर करूंगा और उसे वहाँ से उसने भगा दिया। विली बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गया था और वहीं पर वो टॉयलेट कर देता है। मार्कस ने देखा और उसे वो बहुत डांटता है। क्रिसमस खत्म हो चुका था और सब लोग मॉल के बाहर जा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड विल को रोक लेता है, कहता है कि तुम्हारे बैग में क्या है। विल उसे गालियां देता है और फिर वहां से बाहर आ जाता है। गार्ड ने मॉल को बंद कर दिया और वो भी चला गया। अंदर हम देखते हैं कि मार्कस ने कॉस्ट्यूम पहनकर वहीं पर वो छुपा हुआ था। सिक्योरिटी का अलार्म लॉक होने से पहले वहां पर जाकर वो बंद कर देता है। पीछे से उसने मॉल का डोर खोल दिया। उसने विली को देखा तो विली और भी ज्यादा ड्रंक हो गया था। इसके बाद वो अंदर जाकर मॉल को लूटने लग जाते हैं। मार्कस के पास लीज थी जो उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी। उसे जो भी अच्छा लगता था ये सब कुछ वो उठा लेता है। पैरेलल में विली वहाँ की सेफ खोलता है। उसे लगता है कि उसके फादर ने उसे लाइफ में एक ही चीज अच्छे से सिखाई है, वो है सेफ को खोलना। इससे उन्हें बहुत सारे पैसे मिल गए और इसे वो सेलिब्रेट करते हैं। हर साल अलग अलग मॉल्स पर जाकर उन्हें लूट लेना यही उनका एक्चुअल जॉब होता है। वो बहुत ही खुश थे और रात में ड्रंक होकर सेलिब्रेट करते हैं। मार्कस विली से कहता है कि तुम्हारी कंडीशन दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम मेरे साथ काम नहीं कर पाओगे। विली कहता है कि इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ेगी। ये पैसे लेकर वो कहीं पर दूर जाने वाला था और वहीं पर अपना एक बार खोलेगा, अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल में लेना चाहता था। मार्कस ने कहा कि ये सब बातें सिर्फ तुम कहने के लिए कह रहे हो, नेक्स्ट ईयर में तुम्हें फिर से कॉल करूंगा और तुम फिर से यही जॉब करने के लिए मेरे पास आ जाओगे। इसके बाद कुछ टाइम बीत गया था। हम विली को बीच पर बारटेंडिंग करता देख सकते हैं, पर वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है। एक्चुअल में उसका बार था ही नहीं। उसे गालियाँ देकर वो वहाँ से निकाल देता है। उसने अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया था। पहले भी वो ड्रंक रहता था, अब भी वो ड्रंक रहता है। दिन में फिर वो एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के पार्किंग में आया। वहाँ पर वो गाड़ी की कीज लेता है और जो बहुत ही एक्सपेंसिव कार थी उसमें वो बैठ गया। गाड़ी के डैशबोर्ड से उसे घर का एड्रेस मिला और उस घर में वो चला जाता है। वहाँ पर उसने खाना वगैरह खाया, एंजॉय किया और फाइनली सेफ तोड़ दिए। इससे उसे जो पैसे मिले वो लड़कियों पर बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से उसकी लाइफ अब कट रही थी और फिर उसे मार्कस का कॉल आता है। फिर से क्रिसमस का टाइम आ चुका था और फिर से अब उन्हें जॉब करना था। इसके बाद मार्कस मॉल के सिक्योरिटी हेड के पास आया जिसका नाम था जीन। वो जीन से कहता है कि मैंने एक नया सांता क्लॉज का हायर किया है, पर वो गालियाँ दे रहा था। उसे वो डिस्क्राइब करता है और कहता है कि उसके बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन निकालना। मार्कस बच्चों को चेयर कर रहा था पर विली पीछे जाकर ड्रंक पड़ा हुआ था। उसे कहता है कि तुम प्रोफेशनल आदमी की तरह एक्ट करो, इस तरीके से खुद को तुम बर्बाद नहीं कर सकते। विली आगे आकर बैठ गया और एक बच्चा उसके पास आता है जो कि आइसक्रीम खा रहा था। उसके ऊपर आइसक्रीम वो थूक देता है। विली का मूड बहुत ही खराब था और बच्चों से बात करना उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम थर्मन नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो मॉल आ रहा था और कुछ बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो विली के पास आकर बैठ जाता है। विली ने उसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, पर उसे कुछ भी बता नहीं रहा था। वो उसकी दाढ़ी निकाल देता है, कहता है कि ये तो तुम्हारी रियल बियर्ड नहीं है। विली ने कहा कि मुझे एक बीमारी है और उस वजह से मैं बियर्ड ग्रो नहीं कर सकता। वो उसे सेक्सुअल डिजीज के बारे में बता रहा था। सांता क्लॉज को लेकर उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, पर विली ने कहा कि मैं सांता क्लॉज नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसका कॉस्ट्यूम पहनकर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। मार्कस को उस लड़के को बाहर ले जाने के लिए कहता है। रात में विली एक बार में आया और वहाँ पर एक आदमी उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देख रहा था। वहाँ के बारटेंडर का नाम था सू और सू उसके साथ बात करने लग गए। वो उसे कहती कि तुम सांता क्लॉज का जॉब कर रहे हो पर फिर भी यहाँ पर हमेशा आते रहते हो। विली कहता है कि मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरी भी नीड्स है। सू उसके साथ फ्लर्ट करने लग गए और कहती कि मुझे प्रूफ करो। इसके बाद वो दोनों कार में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। सू उसे कह कर गई कि उसे लाइक करती है। इसके बाद जो आदमी उसे बार में घूर रहा था वो वहाँ पर आ जाता है, कहता है कि मैं गे नहीं हूँ। उसके साथ वो जानबूझकर लड़ाई करना चाहता था। उसे मारने लग जाता है पर विल को बचाने के लिए वहां पर थर्मन आ गया।
थर्मन मॉल के बाहर से विली का पीछा कर रहा था। वो घर जाने में जरा लेट हो गया था। विली ने कहा कि सिर्फ यही बार मैं तुम्हें घर पर छोड़ रहा हूँ, बाद में मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा। ऐसा मत समझना कि तुमने मेरी हेल्प की है। मार्कस उसे उसके रेनडियर के बारे में पूछता है। विली ने कहा कि वो सोए हुए है और मैं उन्हें यहाँ पर नहीं लेकर आया। उससे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन पूछकर इरिटेट कर देता है। विली फिर उसे उसके घर छोड़ देता है। उसने थर्मन से पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। थर्मन ने कहा कि मेरे फादर माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए हैं। विली उसे उसकी मदर के बारे में पूछता है, पर थर्मन की मदर जब वो छोटा था तभी गुजर गई थी। अब घर में वो सिर्फ अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता है। विली को अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी और उसे लगता है कि घर वो लूट सकता है। घर में ग्रैंडमा हमेशा एक ही जगह पर बैठी रहती थी। कोई गार्ड नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। विली फिर ऊपर जाकर उनके सेव से पैसे निकाल लेता है। थर्मन उसे कहता है कि क्या आपको ये सब पैसे आपकी गाड़ी ठीक करने के लिए चाहिए। विली कहता है कि एग्जैक्टली। थर्मन उसके लिए सैंडविच भी बना देता है। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मॉल का मैनेजर घूम रहा था और उसने एक ड्रेसिंग रूम से कुछ आवाजें सुनी। विली किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। ये देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है और फिर वो अपने सिक्योरिटी के पास आया। उसे सब कुछ बता देता है। कहता है कि सिर्फ इस बात की वजह से मैं उसे फायर नहीं कर सकता, तुम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालो ताकि फिर मैं उसे जॉब से निकाल पाऊंगा। जिन कहता है कि हमेशा मैं कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेता हूँ, इस बार भी कुछ ढूंढ लूंगा। मॉल में एक विली एक लड़की के साथ बात कर रहा था और उसके वो करीब आने लग जाता है। मार्क उसे देखता है और इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। कहता है कि शायद वो लड़की 18 साल के नीचे लग रही थी। विली ने कहा कि उस लड़की ने मुझे बताया था कि 18 साल के ऊपर है। मार्कस गुस्सा हो गया और कहता है कि हर बार तुम हम दोनों को इस तरीके से ट्रबल में नहीं ला सकते, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। रात में विली अपने मोटेल के पास आया। उसने दूर से देखा तो उसके रूम में कोई छान पीन कर रहा था। वहां पर बैठी लड़की से वो पूछता है कि क्या मेरे बारे में कोई पूछ रहा था। वो कहती कि एक आदमी पूछ रहा था और वो पुलिस की तरह लग रहा था। इस बात से विल डर जाता है और उसने मार्कस को कॉल किया और सब कुछ बता देता है। मार्कस ने कहा कि क्या वहां पर तुम्हारे कोई इंपॉर्टेंट चीज है या फिर तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत मिल सकते हैं। विली ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मार्कस कहता है कि जल्दी से वहां से भाग जाओ, कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई और जगह है। विली जरा इसके बारे में सोचता है, उसे थर्मन की याद आए। थर्मन अपनी ग्रैंड मदर के साथ अकेला ही रहता है तो आराम से वहां पर वो रह सकेगा। वो थर्मन के पास आकर उसे कहता है कि नॉर्थ पोल पर बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है, मेरा मिसेज सेंटा क्लॉस के साथ डिवोर्स हो रहा है और इसी वजह से मुझे यहाँ पर रहना पड़ेगा। थर्मन उसे अपने घर में रखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। विली उसे अपने लिए बात भी रखने के लिए कहता है। उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है पर विली को उसे हैंडल करना ही पड़ता है। विली लंच कर रहा था तो एक लेडी उसके पास अपने बेटे को लेकर आती है। वो सेंटा क्लॉस के साथ बात करना चाहती थी। विली उसे कहता है कि मैं लंच कर रहा हूँ, पर वो मान नहीं रही थी तो उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। मार्कस की वाइफ मॉल में बहुत सारी चीजें देखती है क्योंकि उसे पता है कि जब रॉबरी होगी तो लिस्ट बनाकर रखेगी तो सब कुछ चीजें उसे मिल जाएगी। रात में विली के पास सू भी आई थी। वो दोनों इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। सू से पूछती कि तुम इस टाउन में कितने टाइम के लिए हो। विली कहता है कि इस हॉलीडेज के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। विली रात में बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाता है। सुबह उठा तो थर्मन चिल्ला रहा था, उसने एक चीज से अपना हाथ काट लिया था। वो उसे हेल्प करता है, उसका ख्याल रखता है। काम पर विली ने मार्कस से कहा कि बच्चों की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मॉल में जल्दी आकर सारी चीजें वो देख रहे थे कि किस तरीके से सिक्योरिटी रूम तक वो पहुंच सकते हैं। ऊपर के वेंट्स में मार्कस घुस सकता था तो सब कुछ चेक कर आता है। कैमरेज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रिमोट बाय किया था। जिन को विल के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मैनेजर ने कहा हुआ था, तो जिन को अब इन्फॉर्मेशन मिली हुई थी। विल अब थर्मन के पास रह रहा था तो थर्मन के फादर से मिलने के लिए जाता है। थर्मन के फादर एक अकाउंटेंट थे और उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था और इसी वजह से बहुत सालों तक वो जेल में थे। जिन जाकर उसे बात करता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे घर में और कोई रह रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई नहीं है। जिन समझ गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। वो फिर विल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसके बाद उसने मैनेजर को बुलाया। उसने कहा कि मैंने विल के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाली पर उसके खिलाफ मुझे कुछ भी मिला नहीं। उसे तुम किसी भी रीजन के लिए फायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थर्मन आज फिर से मॉल आया। जो लड़के उसे परेशान करते थे आज उसे बहुत तकलीफ देते हैं। वो फिर मॉल में विली से मिलता है। विली ने उसे पूछा कि हुआ क्या। थर्मन कहता है कि मुझे क्रिसमस के लिए स्टफ्ड एलिफेंट चाहिए था पर अब मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसा फ्रेंड चाहिए जो उन लड़कों को मार रहा है। विली ने उसे कहा कि जब मैं तुम्हारे एज का था तो मुझे भी कुछ लोग बहुत तकलीफ दिया करते थे। मैंने ये सब बातें मेरे फादर को बताए तो उन्होंने मुझे ही मारा था। उन्हें लगता था कि मुझे टफ बनना चाहिए और लड़कों को खुद फेस करना चाहिए।
तुम्हें भी खुद का ख्याल रखना सीखना चाहिए। तुम अगर उन्हें फाइट नहीं करोगे तो हमेशा तुम्हें वो तंग ही करते रहेंगे। थोड़ी देर में विली और मार्कस से मिलने के लिए जीन आया। कहता है कि रात में हमें बात करनी चाहिए। जीन ने कहा कि मुझे पता है कि तुम मॉल को लूटने वाले हो। 7 साल में तुमने 7 बार चोरियां की है। यह सब बहुत ही इंप्रेसिव है। अब इस बार तुम्हें मुझे भी कट देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते तो मैं पुलिस को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसे पूरे रॉबरी के 50% चाहिए थे। मार्कस उसे नेगोशिएट करता है पर कुछ भी कर नहीं पाता। जिन ने फिर कहा कि तुम मॉल से जो भी चीजें उठाओगे उसके अभी 50% में ले लूंगा। इस बात से मार्कस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो सारी चीजें वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा था। जिन के जाने के बाद विली उसे कहता है तुमने तो बहुत ही अच्छा नेगोशिएट किया। इस बात पर उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। मार्कस कहता है कि तुम मेरी वजह से सब कुछ कर पा रहे हो, अगर मैं ना होता तो तुम कहीं पर पड़े होते। अगले दिन जब विली अपने जॉब पर आया तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक था। वो नीचे गिर जाता है और स्टफ्ड एनिमल को इधर उधर फेंकने लग गया। मार्कस उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया पर जीन उसे रोक लेता है। विली फिर घर पर आया और कार के साइलेंसर से धुआं छोड़कर वो सुसाइड कर रहा था। वहां पर थर्मन आ जाता है। वो उसे एक लेटर देता है और कहता है कि एम्बुलेंस के यहाँ पर आने के बाद ये लेटर उन्हें दे देना। जो भी सब चीजें मेरे लाइफ में हुई थी ये सब कुछ मैंने इसमें लिखी हुई है। विली ने नोटिस किया कि उन लड़कों ने थर्मन को फिर से मारा है। इस बात से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उन लड़कों के पास आया और उन्हें बहुत मारता है। इसके बाद विली थर्मन को फाइटिंग सिखाना चाहता था। इसे हेल्प करने के लिए वो मार्कस को भी लेकर आता है। उन दिनों में ही झगड़ा हो गया और दिनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। रात में विली सू के साथ था। उन्होंने ग्रैंडमा को देखा तो हिलडुल नहीं रही थी। उन्हें लगता है कि उसकी डेथ हो गई है पर ग्रैंडमा जग जाती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे। इसके बाद वो करीब थे और वहां पर थर्मन आता है। थर्मन ने विली के लिए गिफ्ट लाया था। वो जब ये गिफ्ट बना रहा था तभी उसके हाथ पर कट हो गया था। जिस तरीके से थर्मन विली को बहुत लाइक करता है इस बात से विली को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन थर्मन ने विली को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया। उसे हर जगह पर सी मिला था। उसे पूछता है कि क्या मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। विली कहता है कि तुम्हें एक सब्जेक्ट में बी मिला है, वो मुझे कभी भी मिला नहीं था, तो तुमने बहुत ही अच्छा जॉब किया है। रात में जिन जब अपनी गाड़ी से घर जा रहा था तो मार्कस उस पर नजर रखता है। रास्ते में मार्कस ने प्रिटेंड किया कि उसकी गाड़ी बंद पड़ गई है और वो जिन से हेल्प मांगता है। वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और मार्कस की गर्लफ्रेंड ने जिन पर गाड़ी ठोक दी। जिन को रॉबरी का हिस्सा देना उसे अच्छा नहीं लगा, यही पर उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विली, सू और थर्मन ये सब मिलकर क्रिसमस के लिए रेडी हो रहे थे। वो मिलकर ग्रैंडमा का भी ख्याल रखते हैं। उन्होंने पूरे घर को बहुत ही अच्छे से रेडी करके रखा था। आज रात विल रॉबरी करने वाला था। थर्मन को पता था कि विल आज रात के बाद चला जाएगा। उसके लिए सैंडविच बनाना चाहता था तो विल भी उसे बनाने देता है। रात में मॉल से सब लोग चले जाते हैं। अलार्म ऑन होने से पहले मार्कस ने उन्हें बंद कर दिया। विली ने मॉल की सेफ देखी तो ये बहुत बड़ी सेफ थी। इसे ओपन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। जिस आदमी ने इसे ओपन करने का ट्राई किया था उसी के साथ वो जेल में भी था। मार्कस इस बात से वरीड हो जाता है। कहता है कि क्या तुम्हें नहीं कर पाओगे। विली ने कहा कि मैं कर लूंगा पर जरा टाइम लगेगा। मार्कस सारी चीजों की शॉपिंग करता है और विली ने सेफ को फाइनली खोल लिया। अंदर बहुत सारे पैसे थे और ये दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जाने से पहले विली थर्मन के लिए मॉल से गिफ्ट ले रहा था। उसे गिफ्ट लेते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। वो मुड़ा और मार्कस ने उस पर गन लगाई थी। विली पूछता है कि तुम ये सब कर क्या रहे हो। मार्कस कहता है कि हर साल तुम्हारा हाल बहुत ही ज्यादा बुरा होता जा रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर पाऊंगा। कभी ना कभी तुम्हारी ये हालत होने ही वाली थी। विली उसे कहता है कि अपने आप को देखो, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं पर फिर भी तुम पैसों के लिए मुझे मारने वाले हो। कभी भी ये चीजें इनफ नहीं होती। उसे थर्मन की वजह से फैमिली का इंपॉर्टेंस पता चल गया था। वो लाइफ से खुश रहना चाहता था पर शायद अब लेट हो चुका था। इसी मोमेंट पर वहां पर पुलिस आ जाता है। वो उन पर शूट करने लग गए पर विली वहां से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करने लग गए। वो भागते भागते थर्मन के पास आया, उसे वो गिफ्ट देना चाहता था। पुलिस उसे कार से उतरने के लिए मना करता है पर विली भागते भागते डोर के पास आ रहा था तो उसे वो शूट कर देते हैं। अब इसके बाद कुछ टाइम बीत गया था। थर्मन को गिफ्ट मिल चुका था। विली जेल में था। जेल से उसने थर्मन के लिए लेटर लिखा था। वो कहता है कि तुम्हारे फादर के वापस आने तक सू तुम्हारा ख्याल रखेगी। थर्मन की ग्रैंडमा की कंडीशन देखकर सू को वहां पर एज अ केयरटेकर रखा गया था। उसे बहुत ही अच्छा पे कर रहे थे। अब उसे बारटेंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। विली को जब पुलिस ने शूट किया था तो मेजर ऑर्गन्स को गोली नहीं लगी थी, इस वजह से वो सेफ था। उसके ऊपर कोई भी गन नहीं थी फिर भी उसे शूट किया गया। इसी वजह से पुलिस ही ट्रबल में आ गए थे। ऐसा इंसिडेंट फिर से ना हो इसी वजह से पुलिस की काउंसलिंग करने का काम ये विली को ही दिया गया है, यानी अब उसके पास एक अच्छा सा जॉब है।
वो अपनी लाइफ को अच्छे से कंट्रोल में लेना चाहता था और फाइनली उसने कर लिया है। मूवी के फाइनल सीन में थर्मन घर से बाहर आता है। जो लड़का उसे परेशान करता है वो लड़का फिर से उसके सामने था। वो कहता है कि अब तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं है। थर्मन जोर से उसे मारता है और वहां से चला जाता है। फाइनली थर्मन ने भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। वैसे मिलेंगे और एक मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। आप अपने आपका ख्याल रखिए।